जतारा पुलिस ने नए कानून के संबंध में बैठक आयोजित कर दी। जानकारी बैठक में स्थानीय विधायक, एसडीओपी, नगर परिषद अध्यक्ष, पार्षद सहित गणमान्य नागरिक रहे मौजूद। टीकमगढ़ जतारा देश में 1 जुलाई से हो रहे नए आपराधिक कानून के संबंध में आज आदित्य होटल में बैठक का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी अरविंद सिंह दांगी ने नए कानून के तहत सजा प्रावधानों व डिजिटल साक्ष्यों की मान्यता व साक्ष्य संबंधी प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया के सरलीकरण के दिशा में किए गए प्रबंधों की विस्तार से जानकारी दी। नए आपराधिक कानून के संशोधन पर एपीओ नामदेव जी ने बताया कि नई भारतीय न्याय संहिता 2023 में व्यापक बदलाव किए गए हैं। आपराधिक प्रकरणों के फैसले के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है। एसडीओपी अभिषेक गौतम ने बताया, कुछ अपराध ऐसे थे जो किसी भी अपराध की धाराओं में नहीं आते थे, वे छूट जाते थे, उसके लिए धारा लाई गई है। 0 FIR की व्यवस्था के साथ अब EFIR की व्यवस्था लागू की जाएगी। जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने बताया, कोई भी व्यक्ति अपने संबंधित थाने में FIR दर्ज करा सकता है, लेकिन इसके लिए EFIR रजिस्टर करने के 3 दिनों के भीतर संबंधित थाने में पहुंचकर वेरीफाई कराना आवश्यक होगा, तभी EFIR मान्य होगा। अगर 3 दिन के भीतर संबंधित थाने में प्रार्थी नहीं पहुंचेगा तो वही FIR मान्य नहीं होगी। असल में यह व्यवस्था नागरिकों के लिए इसलिए शुरू की जा रही है ताकि समय पर अपनी शिकायत थाने में दर्ज करा सके। महिलाओं और बच्चों के लिए भी नई संहिता में चैप्टर जोड़ा गया है। IPC की धाराएं अलग अलग थी, उसे संगठित किया गया है। मॉब लिंचिंग में नई धारा जोड़ी गई है। धारा 103(2) के तहत अपराध दर्ज किया जाएगा, साथ ही इसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध में भी संशोधन किया गया है। साथ ही बैठक में ये भी बताया कि जब्ती के प्रकरणों में विवेचकों को वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराना होगा। बैठक में सभी विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, नगर के गणमान्य नागरिक सहित मीडिया कर्मी उपस्थित रहे। दूसरा अपराध सहने वाला होता है, जो अपराध सहता है वो पीड़ित कहलाता है। इस नए कानून में पीड़ित का भी ध्यान रखा गया है। पीड़ित को विक्टिम कहते हैं, विक्टिम सेंट्रिक ये लॉ बनाया गया है जिसमें पीड़ित का इस बात का ध्यान रखा जाए। सामान्यतः हम देखते हैं इस प्रकार की शिकायतें भी आती रहती हैं, यदि किसी ने किसी को मार दिया है तो पीड़ित बार बार इस बात की शिकायत करता है कि साहब वो तो फिर मार रहे हैं, अब हम क्या करें, साहब वो तो हम पे दबाव बना रहे हैं, हम उस प्रकार की गवाही नहीं दे पाएंगे। और दबाव में आके हम देखते हैं कि वो अल्टीमेटली कोर्ट में राजीनामा करने पे भी मजबूर तरीके से उनका कोई महत्व नहीं था, उनको हटा दिया गया, कुछ नई चीजें जोड़ी गई। जैसे पहले राजद्रोह था उसको खत्म किया गया क्योंकि वो उपनिवेशवाद का प्रतीक था। अब देश के विरुद्ध यदि कोई अपराध करेगा तो उसको दंडित किया जाए। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में पहले 484 धाराएं थी, अब 531 हो गई है। बहुत सारी चीजें नई जोड़ दी गई हैं जिसमें जनता को सुविधा हो। आप किसी भी थाने में जाके FIR करा सकते हैं, 0 पे FIR दर्ज करके हम संबंधित थाने को भेजेंगे। ऐसे कुछ नए प्रावधान जोड़े गए, उसकी जो जांच करेंगे और जांच में ये पाया जाता है कि इसने झूठी रिपोर्ट की है, 14 दिन के अंदर उसकी जांच होगी। अगर वो झूठी पाई जाती है तो उसमें 3 से लगा करके और 7 साल तक की सजा का भी प्रावधान धारा में किया गया है कि कोई झूठी रिपोर्ट नहीं करेगा। ये एक न्याय संगत वाली बात है, इसमें न्याय मिलेगा। कई लोगों को झूठा फुटा दिया जाता है, कई लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं, कई कोई उस घटना में उपस्थित। देश में प्रगति की मिसाल पेश हो रही है, अब लगने लगा है कि हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी द्वारा जो नए कानून बनाए गए हैं, उनमें जो हमारी पहले IPC होती थी वह ब्रिटिश काल के समय की थी, अब भारतीय न्याय अधिनियम जो बना है उसमें कई धाराएं उन्होंने घटाई हैं, कई धाराएं बढ़ाई हैं। जो पहले जहां 102 होता था अब 102 होगा, उसमें ऐसी 102 या